जूली और आप इस वक्त देख रहे हैं NBC 24। लंबे समय के इंतजार के बाद जब आखिरकार राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के तारीखों की घोषणा की तो लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे। क्या दो से अधिक संतान वाले माता पिता भी चुनाव लड़ सकेंगे? क्या बिना टीकाकरण के मतदान किया जा सकेगा? इन्हीं तमाम सवालों का जवाब लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। राज्य में अगले महीने से होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दो से अधिक संतान वाले माता पिता भी चुनाव लड़ सकेंगे। राज्य निर्वाचन कार्यालय के सूत्रों के अनुसार पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के बाद ही दो बच्चों से अधिक वाले माता पिता को चुनाव लड़ने से वंचित करने की प्रावधान किए जा सकते हैं। अब तक सरकार या आयोग के स्तर पर ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है, ना ही ऐसा कोई प्रस्ताव है। सूत्रों ने इस प्रकार की चर्चा को भ्रामक बताया है। अगर मतदाताओं की बात करें तो चुनाव की घोषणा के साथ ही आयोग ने ये फैसला भी लिया है कि पंचायत चुनाव शुरू होने तक यदि किसी व्यक्ति ने निजी या दूसरों कारणों से टीकाकरण नहीं कराया है तो वो वोट देने से वंचित नहीं किए जाएंगे, वे भी आम लोगों की तरह मतदान कर सकेंगे। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि पहले चरण के 24 सितंबर से लेकर आखिरी चरण के 12 सितंबर तक पड़ने वाले त्योहारों के दिन मतदान नहीं कराए जाएंगे। आयोग के कैलेंडर के मुताबिक चुनाव के दौरान आने वाले त्योहारों पर अवकाश रखा जाएगा। 12 अक्टूबर को दुर्गा सप्तमी और 15 अक्टूबर को दशहरा है। 19 अक्टूबर को ईद है। इस दौरान चुनाव की तिथि नहीं रखी गई है। चौथे और पांचवें चरण के मतदान को 20 और 24 अक्टूबर को करवाया जाएगा। इसी तरह 4 नवंबर को दीपावली, 5 नवंबर को गोवर्धन पूजा और 6 नवंबर को भाई दूज है, इसलिए दीपावली से एक दिन पहले 3 नवंबर को छठे चरण का मतदान रखा गया है। इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए NBC 24 के साथ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। धन्यवाद।